तहरीक अदम एतमाद से कबल अपोजिशन का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज। मुतहदा अपोजिशन और एमकेएम में मामला तय पा गए। दोनों जानब से माहदे पर दस्तखत। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान भी मुलाकात में शरीक थे। आज तफसीलात से आगाह किया जाएगा। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है? बाकी है कि जो पार्टी है तो पार्टी के अंदर तकाजे होते हैं और आगे देर का टाइम है तो कुछ ना कुछ जमात के लोगों का इस्तेमाल में लेना ये उनका हक होता है। मुबारक हो पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा मुतहदा अपोजिशन और एमकेएम में मुआहदा तय हो गया। एमकेएम राबता कमेटी और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मुआहदे की तौसीक करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को तफसील से आगाह किया जाएगा। आज सूरत हाल जायजा लेने के मकाम से गुजर चुकी। मुल्की सियासत इंतहा पसंदी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। रहनुमा एमकेएम फैसल सब्जवारी कहते हैं हुकूमत के दोस्त मिलना चाहेंगे तो सर आंखों पर, हमें सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम एमकेएम को पहुंचा दिया, एक वजारत ऑफर की, उससे आगे भी जो चाहेंगे देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की एमकेएम वफद से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले अपोजिशन रेड़ी लेकर फिर रही है, ये भी ले लो वो भी ले लो, अपोजिशन वो ऑफर कर रही है जो उनके पास है ही नहीं। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान आज अपने तफसीली दलाइल का आगाज करेंगे। अदालत ने सिंध हाउस हमले के मुलजिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर रखी है।